भारत के अग्रणी ओमनी चैनल ज्वेलर कैरेट लेन ने अपने 200वें स्टोर के लॉन्च के साथ आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नवाबों के शहर लखनऊ के गोमती नगर में पूर्व मिस इंडिया और अभिनेत्री जोया अफरोज ने इस स्टोर का उद्घाटन किया। 200वें स्टोर लॉन्च के अलावा कैरेट लेन ने आज ही अनंतपुर, पांडिचेरी, अजमेर, कांगड़ा और पटना जैसे शहरों में 20 अन्य स्टोर भी खोले। कंपनी का विजन देश के हर हिस्से में प्रीमियम ज्वेलरी को ग्राहकों तक पहुंचाना है। नए स्टोर के लॉन्च के बारे में इंस्टेंट खबर से बात करते हुए कैरेट लेन के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत चौधरी ने बताया कि कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी का सहज अनुभव प्रदान करना है। हमने लखनऊ में उत्साही ग्राहकों को देखा। डिजाइनर ज्वेलरी का यहाँ बहुत स्कोप है और गोमती नगर एक खास जगह है जहाँ पर इस तरह की ज्वेलरी को काफी अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। उन्होंने तनिष्क के साथ अपनी साझेदारी का जिक्र भी करते हुए कहा कि कैरेट लेन का एक लंबा साथ रहा है। देश में पारंपरिक ज्वेलरी की परंपरा हमेशा बने रहने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उसका महत्व अपना है, लेकिन आज के दौर में ओमनी बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हीरे जड़ी डिजाइनर ज्वेलरी में लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है और साथ में डिमांड भी। उन्होंने कहा कि कैरेट लेन का मकसद ये है कि लोग ज्वेलरी को अपने लॉकर में रखने की जगह पहनना पसंद करें। उन्होंने कहा कि जहां तक पारंपरिक सोने के आभूषणों की बात है तो आज 20,000 में आपको कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, लेकिन कैरेट लेन में आपको इयररिंग भी मिल जाएगी, अंगूठी भी मिल जाएगी और वो भी हीरे जड़े हुए। कंपनी का किन बातों पर ज़्यादा फोकस है, विस्तार की क्या योजनाएं हैं, लखनऊ से क्या आशाएं हैं, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी विस्तार से बात की। तो आइए प्रशांत चौधरी जी को सुनते हैं। यस, मेरा नाम प्रशांत चौधरी है और मैं कैरेट लेन कंपनी से हूँ और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हम अपना 200वां स्टोर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। और आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ये 200वां स्टोर आज हम लखनऊ सिटी के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर ये हमारा चौथा स्टोर है, बट क्योंकि ये 200वां स्टोर है तो ये ओकेजन हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल हो जाता है। अगर मैं स्टोर की लोकेशन और खासियत के बारे में बात करूँ तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे लिए, बिकॉज गोमती नगर के आसपास और गोमती नगर के भी हमारे बहुत बड़े कस्टमर बेस हैं जो कि काफ़ी टाइम से हमें डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे स्टोर खोलने के लिए। तो आज हम स्टोर लेकर हाजिर हैं और अब आप आ सकते हैं और कैरेट लेन की खूबसूरत ज्वेलरी जो है वो परचेज कर सकते हैं। इज ए पार्ट ऑफ तनिष्क? जी, ये हमारी तनिष्क के साथ पार्टनरशिप है और ये पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी टाइम से अब साथ में है। तो दोनों जो है मिलकर ब्रांड हम लोग ऑनलाइन स्पेस में जो है अपना बेसिकली हमने बिजनेस स्टार्ट किया था और तनिष्क ऑब्वियसली लीडर हैं रिटेल स्पेस के अंदर। सो दैट इज़ हाउ दी पार्टनरशिप इज। अच्छा, तो यूपी में और कितने शहरों में आपके इस तरह के शोरूम्स हैं? एक्चुअली यूपी के अंदर अगर हम बात करें तो ये अभी टोटल हमारे जो है वो 13 स्टोर्स हो गए हैं, बट अगर मैं शहरों की बात करूँ तो हमारा स्टोर वाराणसी में भी है, हम लोगों ने इलाहाबाद में भी स्टोर खोला हुआ है, हम आगरा में भी हमारी प्रेजेंस है, उसके बाद मथुरा, अलीगढ़ के अंदर भी हमारी प्रेजेंस है और अभी हम बरेली के अंदर भी बेसिकली एक स्टोर ऐड कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर में तो स्टोर है ही। अच्छा, किस पे बेस्ट है ये आपका, मतलब ये हीरों का ही इस पे ज़्यादा जोर देते हैं या? कैरेट लेन का जो मेन कोर स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूँ या ज्वेलरी की बात करूँ तो हम लोग अफोर्डेबल लेकिन डिज़ाइनर ज्वेलरी के लिए माने जाते हैं। और अगर मैं अपने प्राइस पॉइंट्स की बात करूँ तो हम लोग बेसिकली गिफ्टिंग के लिए भी बहुत, हमारा जो मेन स्ट्रेंथ है वो यही है, 5,000-7,000 से प्राइस पॉइंट्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं और हम बेसिकली बिलो 1.5-2 लैक्स की प्राइस पॉइंट के अंदर ही अपनी ज्वेलरी बनाते हैं। हम बिलीव करते हैं कि हमारी ज्वेलरी ऐसी ज्वेलरी है जो कि लॉकर में नहीं रखी जाए बल्कि पहनी जाए और इसीलिए वो बहुत यूनिक प्राइस पॉइंट के अंदर, बहुत ही यूनिक डिज़ाइनर ज्वेलरी अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आती है जो कि गिफ्टिंग भी करी जा सकती है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी परचेज करे जा सकते हैं।
जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी को आप कितना बड़ा देख रहे हैं? देखिए यूपी, अगर मैं ज्वेलरी की डिमांड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बिकॉज ज्वेलरी की जो मतलब यूपी एज अ सिटी माना जाता है, एज अ स्टेट माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की यहाँ पर डिमांड है और लोग पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग भी उस डिमांड को केटर करते करते अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो हमारा आगे फ्यूचर में भी यही प्लान रहेगा कि जहाँ जहाँ पे हम जिस शहर में जितना ज़्यादा डिमांड देखेंगे वहाँ वहाँ पर हम कैरेट लेन का स्टोर प्रेजेंस करेंगे। बट यू बी डेफिनेटली इज़ वन ऑफ दी यू नो वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टेट फॉर अस, एंड लखनऊ इन पर्टिकुलर हमें लगता है कि हमें काफ़ी अच्छा, बहुत कस्टमर्स हमारी ज्वेलरी को बहुत लव करते हैं, लाइक करते हैं, और इसीलिए हम अपना एक्सपेंशन भी उसी हिसाब से। अच्छा, जो पारंपरिक ज्वेलरी होती है सोने की, जिसको बोलते हैं जो ट्रेडिशनल चली आ रही है, और अब आपका ये जो डिज़ाइनर ज्वेलरी है, तो कितना फ़र्क देखते हैं और क्या स्कोप है, कितना ज़्यादा स्कोप है? देखिए अगर हम मैं आज की डेट में बात करूँ तो ट्रेडिशनल ज्वेलरी का कोई अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि वो रिप्लेस हो जाएगा। ऑब्वियसली वेडिंग ज्वेलरी पसंद करी जाती है, एंड इंडिया के अंदर ज्वेलरी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। एक सोशल सिक्योरिटी कस्टमर्स को, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी रहता है गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करके, तो वो कंटिन्यू रहेगा। कैरेट लेन ने जब बिज़नेस स्टार्ट भी किया था तो दो चीज़ों पे बहुत फोकस किया था। एक, हम डिजिटलाइजेशन करना चाहते थे इस कैटेगरी को, जो पहले किसी ने नहीं करा था, और दूसरी चीज़ ये कि हम ज्वेलरी को अफोर्डेबल बनाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि इवन अगर एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कोई पर्सन भी है, अगर उनको ज्वेलरी पसंद है या उनको ज्वेलरी खरीदने की अगर यू नो डिज़ायर है, तो उनको वो ज्वेलरी उनके प्राइस पॉइंट में पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी मिले। तो जहाँ पे गोल्ड की अगर आज बात करें तो अब 6000 प्लस का रेट है, तो वो उस हिसाब से गोल्ड प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। तो आज की डेट में आपको 20,000, 25,000, 30,000 में गोल्ड का प्रोडक्ट उतना बड़ा नहीं मिलता जितना पहले मिल जाता था। बट अभी हमारे अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें तो आज आप आज भी 20,000 के अंदर एक रिंग खरीद सकते हैं जिसके अंदर हीरे जड़े हुए हैं। आप आज भी 20,000 में एक ईयर रिंग पहन सकते हैं। हमारी किड ज्वेलरी बहुत सुंदर है जो कि गिफ्टिंग के लिए बहुत चलती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। हमारी हैरी पॉटर कलेक्शन है। तो मैं इनफैक्ट ऐड करना चाहूँगा कि कैरेट लेन अपनी कलेक्शंस के लिए भी बहुत जाना चाहता है। तो हमारे जो फोकस रहता है वो यही रहता है कि हम गिफ्टिंग स्पेस में अगर कोई कस्टमर चाहता है कि वो मोबाइल गिफ्ट करें या कोई यू नो और कोई प्रोडक्ट ऐसा गिफ्ट करें 20 से 25-30 हज़ार में, तो वाई नॉट प्रीशियस ज्वेलरी एंड वाई नॉट द ब्यूटीफुल ज्वेलरी फ्रॉम कैरेट लेन। तो इसलिए हम लोग उसी प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं।